ये क्या, एक मिनट रोकिए ना इसे। ये कौन है? ये फुटेज तो उसी समय की है ना जब दुर्गा जी पर हमला हुआ था। हाँ गुड, ये उसी रात की फुटेज है। तो ये हमारे जैसे कपड़ों में कौन है जिंदल साहब? ये हम नहीं है जिंदल साहब। इसलिए गुटन, मुझे पता है तुम नहीं हो, पर सवाल ये है कि ये कौन है? अंधेरे की वजह से इसकी शक्ल छुप गई है। लेकिन एक मिनट, एक ये कपड़े देखो, ये कपड़े ही हमें इस अपराधी तक पहुंचाएंगे। कैसे गिर गया? हवा से गिर गया होगा। हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं जिंदल साहब। दुर्गा बहू के अपराध नहीं गुड्डन, तुम इन सब से जितना दूर रहोगी उतना बेहतर है। गुड्डन, भरोसा रखो अपने दोस्त पर, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम और कोई भी टेंशन लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। दुर्गा बहू के अपराधी को ढूंढने की टेंशन और ऊपर से झूठ मूठ का शक्ति का नाटक करने की टेंशन, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? लॉर्ड कृष्णा, तो आपको ही हमारी मदद करनी होगी। दुर्गा जी, इस चक्की को घुमा घुमा के ना अब तो मेरा सर भी घूमने लगा है। 1760 दुश्मन होते ना तो भी अच्छा होता, पर मिला भी कौन? ये गुड्डन। इस बार तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। भगवान करे अगले जन्म में ऐसी सांस कभी ना मिले हम लोग को। अरे आप भी चलाओ ना, मेरा हाथ दर्द हो रहा। फिलहाल इस जन्म के बारे में सोचो तुम दोनों। जो सांस मिली है उसका मान रखो। अगर 6 बजे के पहले ये दोनों गेहूं की बोरियां नहीं पीसी तो पता है ना तुम्हें, उस गुड्डन को एक और मौका मिलेगा हमारी सोच को नीचा दिखाने का। बुआ जी, आप देख रही है ना, कोशिश तो कर रहे हैं हम। और देखिए चक्की चला चला के हाथ में छाले आ गए। बुआ जी, अरे आप देख रही है ना, अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। इतने कम समय में इतना ज्यादा काम कैसे कर पाएंगे? चुप! ये घुमाते घुमाते तुम दोनों की बुद्धि घूम गई है। और हाँ दुर्गा बहू, हाथ में छाले पड़ते हैं तो पलटने दे, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। सच हमेशा कड़वा होता है लेकिन कल्याणकारी होता है। और तुम दोनों का सच यही है कि ये काम तुम दोनों को पूरा करना होगा, क्योंकि जैसे हमने लक्ष्मी बहू के प्रशिक्षण पे सवाल उठाया था, उसी तरह गुड्डन बस एक मौके की तलाश में है। समझे तुम दोनों? लक्ष्मी बहू जी, सस्मा हमें बताइए काम कहां तक पहुंचा? जी, तो सासुमा, दुर्गा जी और सरू ने पिछले 2 घंटे में सिर्फ आधी बोरी गेहूं पीसी, मतलब बाकी कामों के लिए इनके पास अब सिर्फ 4 घंटे ही रह गए। तो मतलब हमारा अंदाजा सही था। क्या अंदाजा? ये क्या है? वक्त पर अपनी सजा ना पूरी कर पाने की भी तो सजा मिलेगी ना बुआ जी। अगर 6 बजे तक आप अपनी सजा नहीं पूरी कर पाई तो ये 2 एक्स्ट्रा बोरियां भी आपको पीसनी होंगी। वैसे आपको पता है ना, कई बार गेहूं के साथ घुन में पिस जाता है। मतलब? बुआ जी, हमारी बहू है ना बहुत समझदार है,
समझ गई होंगी ये तो सरासर ना इंसाफी है। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो गुड्डन। एक मिनट, गुड्डन नहीं सासू माँ, हमारे नियमों का अच्छे से पालन नहीं किया ना तो एक बोरी और ऐड करवा देंगे हम। क्या आप लोगों की सजा में? और सरू बहू आपको तो जोड़ने घटाने का बहुत शौक है ना? याद रहे आप हमारे साथ इस तरह बहस करके बुआ जी की सोच की बेइज्जती कर रही हैं। समझाइए ना बुआ जी ने कि सास से किस तरह बात की जाती है। तुम दोनों की वजह से उस गुड्डन को मौके पे मौके मिल रहे हैं हमारी सोच में कमी निकालने के। कुछ भी करो तुम दोनों को ये सजा किसी भी हालत में पूरी करनी ही होगी। भले सांसें रुक जाए लेकिन हाथ नहीं रुकने चाहिए। पर बुआ जी हम दो लोग इतने कम समय में इतना सारा काम कैसे कर पाएंगे? आप दुर्गति आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? बोलिए ना जी। बुआ जी आप देख रही है ना, कोशिश कर रहे हैं हम दोनों। टाइम भी खत्म हो रहा है बुआ जी। बैठ जाओ पहले। हाँ तुम दोनों जैसी निकम्मी और नालायक बहुएं इस दुनिया में हो तो मेरे जैसे सास को खड़े रह के काम करना ही पड़ेगा। चलो तुम्हारे साथ मैं भी गेहूँ पीसती हूँ। हाँ बुआ जी आप भी आ जाइए। देखाल दे थाल दे। जल्दी देख रहे हैं ना दादी, सख्ती की सोच से चलने वाली बुआ जी भी आज कैसे पिघल गई, कैसे साथ में काम कर रहे हैं सब। यकीन नहीं हो रहा, शांति दीदी उन दोनों की मदद कर रही है। गुड्डन बेटा तेरा तरीका टेढ़ा जरूर होता है पर होता कामगार। सास बहू के दोस्ती के रिश्ते की तरफ ये उनका पहला कदम है दादी। आप देखिएगा कैसे यूं ही साथ में काम करते करते ना उन्हें अपनी दोस्ती का एहसास भी हो जाएगा और ये भी एहसास हो जाएगा कि सास बहू एक दोस्ती के रिश्ते से कैसे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। काश हमारी तरह जिंदल साहब भी अपने मकसद में कुछ आगे बढ़े और उन्हें उस अपराधी के खिलाफ सबूत मिला। चुटकी मेरी बात मान ले, इसे पी ले, तेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी बच्चा। माँ आप साइड में रख दो, मैं बाद में पी लूं। हेलो आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे तुम आओ आओ। वैसे मैं तो ठीक हूँ पर तुम अपनी इस दोस्त को समझाओ कि ये हल्दी वाला दूध पी ले। भाई मैं तो समझा समझा कर थक गई पर इसे तो अपनी मनमानी करनी है। माँ क्या? अच्छा अंगद बेटा आप तो माँ ही गए तो थोड़ी देर रेती के पास बैठो ना, मैं जरा पास वाले जनरल स्टोर से होकर आती हूँ, कुछ सामान लाना था। ठीक है आंटी। और
अच्छा, अब माँ की बात तो नहीं सुनेंगी आप, लेकिन एक दोस्त की बात तो सुनेंगी ना। और अब जिद मत कीजिए, चुपचाप पी लीजिए, वरना वरना क्या डरा रहे हैं आप मुझे? वरना दोस्ती खत्म। इतने जल्दी आपको दोस्ती नहीं तोड़ने दूंगी। सॉरी रेवती जी, मुझे नहीं पता था कि आपके लिए भी ये दोस्ती उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी। क्या चल रहा है यहाँ? क्या चल रहा है यहाँ? तुम अंदर कैसे आ गए? निकलो यहाँ से। चुप, बिल्कुल चुप। तू बता, पहले तो तू उस गुंडे के पीछे पड़ा हुआ था, जब वहां दाल नहीं हली तो यहाँ रेवती पर अपने डोरे डालने आया है? तेरी तो ना। एक एक एक, एक मिनट पर, तुम गलत सोच रहे हो। रेवती और हम अच्छे दोस्त हैं सिर्फ। दोस्त? ये अच्छे दोस्त के फंडे किसी और को सुनाना। बेटा पिक्चरें मैंने भी देखी है, और हर पिक्चर के एंड में वही अच्छा दोस्त लड़की ले जाता है। तो तुम मुझे पागल बना रहे? मुझे ठीक समझा तुमने, मैं और अंगद जी सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं हैं, बल्कि उससे कई ज्यादा बढ़कर हैं। हाँ अंगद जी, मैं आपको पसंद करती हूँ, और आप मुझे एक दोस्त से बढ़कर लगते हैं। क्या आप भी? हाँ रेवती जी, मैं भी आपको चाहने लगा हूं, बस कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बच चुके और सजा पूरी करने का वक्त अब खत्म हो चुका है। हाय हाय, अभी तो एक ही बोरी पीती है, अभी क्या होगा? बेशरम, बिना काम किए तुम दोनों सो गए। सास मदद को क्या बैठ गई? इसका मतलब ये नहीं कि बहू है घोड़े बेच के सो जाए। सास ही अकेले लगी रहे और दुर्गा बहू। बुआ जी, जरूर आपको कुछ ना कुछ गलत फहमी हुई है। आप तीनों ने मिलकर एक बोरी नहीं, ये देखिए दो बोरी गेहूं पीसा।
दूसरी बोरी कब पीसी हमने? अरे दुर्गा जी छोड़ो, हम लोगों ने दो दो बोरी पीस दिया। अरे वाह, वो 6 बजे से पहले। अब तो और कोई सजा नहीं ना? हाँ। अरे मेरी बहू, शाबाश, तुम दोनों ने कर दिखाया। वाह 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 वाह, कच्चा तुम। अब क्या कहना है तेरा गुड्डन? तेरे दोनों बहुओं ने काम कर दिखाया हमारी सोच से। बिल्कुल सही कहा आपने बुआ जी। आप तीनों ने मिलकर, आपने, सरू बहू ने और दुर्गा बहू ने, एक होकर एकदम वैसे जैसे दोस्त मिलकर एक मुश्किल से मुश्किल काम निपटा लेते हैं, कर दिखाए। काम पूरा हुआ वो ठीक है, इतना सब गेहूं हमने कब पीसा? गुड्डन बेटा, बेटा ये सच्चाई उन तीनों से क्यों छुपाई तूने? हाँ सासू माँ, ये सब करने की क्या जरूरत थी? देखा ना आपने कैसे काम खत्म होने के बाद तीनों एक दूसरे को गले लगा रही थी। हाँ सासू माँ, पर वो काम तो आपने और मैंने किया था ना। देखिए ना लक्ष्मी जी, कितनी थक गई हैं तीनों। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सब करा के। अब सासू माँ अच्छा तो मुझको भी नहीं लग रहा, लेकिन अब सजा दी है तो। लक्ष्मी जी आप हमारी मदद कीजिए। काश तेरी ये अच्छाई वो तीनों देख पाते तो आज आज ऐसे तुझसे दादी नफरत में भी प्यार छुपा होता है, और अगर हमसे नफरत करके वो आपस में दोस्ती कर पाएंगे ना, तो हमें उनकी नफरत से कोई नाराजगी नहीं है दादी। और देखिएगा, जिस दिन उन्हें आपस की इस दोस्ती का एहसास हो गया ना, उस दिन बुआ जी का भी और बहुओं का भी, सबका हमसे गुस्सा शांत हो जाएगा, और बुआ जी को हमारे दोस्ती वाले फंडे भी समझ आने लगे। सच में आपको सच में ऐसा लगता है कि आपकी ये तरकीब काम करेगी? लक्ष्मी जी, हमने बुआ जी के तरीके जरूर अपनाए पर उनकी सोच को नहीं। देखिएगा, जैसे आज बुआ जी, दुर्गा जी और सरू जी के गले लगी है ना, उनके काम में उनका हाथ बटाया है, वैसे ही धीरे धीरे काम करते करते उन्हें आपस की दोस्ती का भी एहसास हो जाएगा। पता है आज हम बहुत खुश हैं। बुआ जी ने आज पहली बार दुर्गा जी और सरू जी की तरफ दोस्ती का पहला कदम बढ़ाया। तीनों ने ना हग भी किया एक दूसरे को, इतने क्यूट लग रहे थे ना। बहुत अच्छा लगा। हूं आप कब तक क्यों खुद को दोष देते रहेंगे? आज एक सुराग मिला है, कल दूसरा भी मिल जाएगा ना। सारी जंग एक ही दिन में थोड़ी जीती जाती है। ये सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ गुड्डन, लेकिन दुर्गा बहू का और तुम्हारा अपराधी आज भी आजाद घूम रहा है, और ये बात जानकर मेरे लिए एक एक पल बिताना मुश्किल होता जा रहा है। बट आई एम रियली ग्लैड गुड्डन, आई एम हैप्पी फॉर यू। तुमने जो हासिल किया है ना गुड्डन, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। काश मैं भी उस अपराधी को। हम जानते हैं जिंदल साहब कि आप परेशान हैं, पर आप हमें एक बात बता।